इंटरव्यूज ओके जो पहले आएगा मैम उसको एक नंबर देना हमें ओके आप वहां से आइए इंटरव्यू में क्या क्या देखा जाता है इंटरव्यू कैसे दिया जाता है आज आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा सा इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज सारा देखा जाएगा ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉय यस कम देखो कैसे चलाइए मेकिंग सर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे हाथ खड़ा नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे मेकिंग सर अभी स्कूल में करो लेकिन जब हम आएंगे तो कई बच्चे आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए सर मेकिंग सर ऐसे हो चलो मैं बताऊंगा उसके बाद यस यू कैन कम ये बॉडी लैंग्वेज पुअर वेरी पुअर बॉडी लैंग्वेज हाँ इसका ठीक है यस तो ये क्या होगा आपकी बॉडी लैंग्वेज तो मैं यहीं से देख लूंगा यार कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है चलने का स्टाइल बैठने का स्टाइल देखने का स्टाइल आई कॉन्टेक्ट कॉन्फिडेंस ये सारी चीजें देखी जाती है बारीकी से देखी जाती है तो देखने से ही पता लग जाता है अब ये स्किल आ चुका है क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस बताता है क्योंकि मैंने इंटरव्यूज लेने तो मेरे को ऐसी जजमेंट हो जाती है पहले से फिर मैं ज्यादा इंटरेस्ट तब लूंगा और ज्यादा डीपली तब जाऊंगा जब बंदा बॉडी लैंग्वेज अच्छी है कॉन्फिडेंस अच्छा है तो और इंटरेस्ट लूंगा नहीं तो पहले दो तीन मिनट में थैंक यू बाय बाय टाटा है ना ठीक है लेकिन मैं गाइड पक्का करता हूँ कि आपने कहा आपकी वीकनेस है आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है ठीक है तो आपने बड़े ध्यान से देखना है ओके यस यू कैन कम मैगन सर यस यू कैन कम गुड आफ्टरनून सर वेरी गुड आफ्टरनून ओके स्टार्ट फ्रॉम ओके यू कैन टेक यू देखो ये बैठा नहीं पहले आपने आप नहीं बैठा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मैं एक्चुअली चेक कर रहा था तो अपने आप नहीं बैठ गए खुद ही तो देखना है जब तक खड़े हैं तो खड़े हैं जब तक आपको इंटरव्यू नहीं बोल रहा है बैठने के लिए तो आपने बैठना है तो इनका कॉन्फिडेंस देखा मेगम सर कॉन्फिडेंस कैसे साउंड साउंड आपकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप कैसे किस वॉइस टोन पे आप इंटैक्ट करते हैं वॉइस टोन ओके यस स्टार्टिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आपने विच लैंग्वेज यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंटरव्यू इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश ग्रेट इट्स नॉट ग्रेट हिंदी में भी दे सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इट्स डिपेंड ऑन ठीक है अभी से आप थोड़ा सा जैसे आप टेंसेस पढ़ते हैं तो इंटरव्यू की भी आप तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा करके अभी से स्टार्ट करेंगे तो आगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी ज्यादा वो नहीं है हम भी मैं भी ऐसे सोचता जब मैं 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 ओके स्टार्ट फ्रॉम योर इंटरव्यू माय नेम इज गौरव ठाकुर आई रेड इन प्लस 2 नॉन मेडिकल क्लास आई एम फ्रॉम सलांगड़ी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड माय हॉबी इज प्लेइंग गेम्स एंड ग्रेट ठीक है इतना काफी है जिसको मैं बताऊं जो आपका आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है क्या नाम बताया आपने अपना वरुण ठाकुर वरुण ठाकुर ठीक है ग्रेट वरुण व्हाट इज योर एम व्हाट डू यू वांट टू मेक योर कैरियर हाउ सर मैं तो पहले मतलब आर्मी में जाना चाहता हूँ ना जो 4 साल लगाते हैं अग्निवीर वो तो मैं करना चाहता हूँ ना सर उसके बाद सर कुछ प्रोफेशनली करना चाहता हूँ अपना बिजनेस वगैरह उस टाइप का उससे पहले मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए सर तो अग्निवीर जो आर्मी का आपने सोचा क्यों सोचा है लाइक आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं सर ऐसी व्हाई यू डिडंट वांट टू कंटिन्यू स्टडी अपनी स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते सर कंटिन्यू रखना चाहता हूँ बट उसके साथ होगा नहीं सर 4 साल भी लगाना चाहता हूँ बट क्योंकि मेरा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ ओके ठीक है जब भी आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए कि आप ये लाइन क्यों चूज करना चाहते हैं तो आपके पास रीजनेबल आंसर होना चाहिए आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकें कि मैं इसलिए जॉब चाहता हूं मैं इसलिए करना चाहता हूं ठीक है तो इसमें जब भी आप इंटरव्यू दें तो लाइक एनी काइंड ऑफ जैसे कि अभी आपका जो मैं बता देता हूं आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी भी कांटेक्ट करना है आपका जो हैंड जो आपने यूज किया वो कॉन्फिडेंट है पॉजिटिव वाइब है क्या है पॉजिटिव है आप कन्विंस कर रहे हैं पर इतना भी ज्यादा नहीं हो कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे लेकिन आपका ओवरऑल इज गुड समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्या करेंगे नर्वसनेस कैसे पता लगेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉम मूवमेंट कर रहे हैं हैंड मूवमेंट हो रहे हैं या आईस आगे पीछे करेंगे या कुछ करेंगे तो ये सारे आपका लाइक कॉन्फिडेंस बताता है कि आपका वीक है कॉन्फिडेंस ठीक है तो ये सारी इंपॉर्टेंट है चीजें तो आपने ये चीजें अपनी इंप्रूव करनी है ओके थैंक यू वरुण बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा थैंक यू सो मच वी विल सी यू वंस अगेन ओके नेक्स्ट